हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सिटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस क्यों करते हैं, सिटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस कैसे करते हैं, सिटी स्कैन एब्डोमेन पेल्विस में क्या क्या देखते हैं, एब्डोमेन पेल्विस करने से पहले पेशेंट को हिस्ट्री क्यों पूछते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या पूछना चाहिए। मैं हूं सुयोग निकम, रेडियोग्राफर एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं रेडियोग्राफिक ज्ञान। Five should do CT abdomen and pelvis. A CT scan of abdomen and pelvis can help diagnose problem in the bladder, uterus, prostate, liver or bowels. CT scan abdomen pelvis क्यों किया जाता है? Bladder, uterus, prostate, liver और bowels को diagnose करने के लिए CT scan abdomen and pelvis किया जाता है। What can be detected a CT abdomen and pelvis? Inflammation, infection, injury or disease of the liver, spleen, kidney stones, stomach, intestine, pancreas, bladder, male and female reproductive organ and bones can be detected CT abdomen pelvis. Why is it important to get patient clinical history before the procedure? Scan करने से पहले patient को clinical history क्यों पूछी जाती है? Patient personal health history has detail about any health problems you've ever had. This information give your doctor all kind of important clues about what going on with your health. Because many diseases run in family, the history also tell your doctor what health issue you may be at risk for in the future. What it is history ask to patient. Let's discuss the question to ask your patient when talking a detailed history. This question should focus on aspects that are most prevalent to abdominal pain or symptom. Past medical history, past surgical history, family history, social history. इन सभी के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, सो देखते रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए एब्डोमेन स्कैन करने से पहले पेशेंट को हिस्ट्री क्या क्या पूछनी चाहिए ये देखते हैं। पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती है, पेशेंट को कितने टाइम से तकलीफ हो रही है, क्या पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो कौन से साइड पे हो रहा है, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन, एपिक्लास्टिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलेक रीजन, क्या पेशेंट को ओमिटिंग हो रही है, क्या पेशेंट को पहले कोई स्कैन हुआ है जैसे कि UAG, सिटी स्कैन, MRI, उसके रिपोर्ट अवेलेबल है, क्या पेशेंट की कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है। देखो हिस्ट्री डिपेंड है आप पेशेंट का कौन सा स्कैन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी आप ब्रेन का प्लेन स्कैन कर रहे तो उसकी अलग हिस्ट्री आएगी, ब्रेन कॉन्ट्रास्ट कर रहे तो उसकी अलग हिस्ट्री आएगी, ट्रॉमा के लिए कर रहे तो उसकी अलग हिस्ट्री आएगी, चेस्ट कर रहे तो उसकी अलग हिस्ट्री आएगी, पल्मोनरी स्कैन कर रहे तो उसकी अलग हिस्ट्री आएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए अलग से सीरीज़ बनाऊंगा हिस्ट्री के ऊपर, कौन से स्टडी को कौन सी हिस्ट्री लेनी चाहिए, तो आप देखते रहिए, कीप कनेक्ट। चलिए एब्डोमेन पेल्विस प्लेन स्कैन कैसे करते हैं वो मशीन पे देखते हैं। अभी मैं आया हूँ सीमेंस की सिटी मशीन वॉल्यूम जूम पे। सबसे पहले आपको पेशेंट की एंट्री करके लेनी है, अभी मैंने पेशेंट की एंट्री करके रखी है। फिर आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है, सभी मशीन में प्रोटोकॉल सेव होते हैं, अभी मैंने प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया है प्लेन एब्डोमेन का। ये सिर्फ एक प्लेन स्कैन का है, अभी इसका रिकॉर्ड नहीं है, अभी इसको रिकॉर्ड डालेंगे। रिकॉर्ड डालने के लिए आपको दो नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसकी रिकॉर्ड की सेटिंग कर लेंगे। रिकॉर्ड में स्लाइस स्पीड 3 mm रखनी है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने, और रिकॉर्ड इंक्रीमेंट में 1 mm रखना है, हमें 1 mm का रिकॉर्ड चाहिए। सबसे पहले आपको पेशेंट को पोजिशन दे के आना है, फिर यहाँ आके लोड करना है, फिर ऊपर एक स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए स्टार्ट आ गया, फिर आपको स्टार्ट का बटन दबाना है, ये अपना टोपोग्राम लोड हो रहा है।
फिर आपको एब्डोमेन की प्लानिंग करनी है। एब्डोमेन की प्लानिंग इस तरह करनी है, ऊपर से डायफ्राम कवर होना चाहिए और नीचे से सिम्फिसिस पे भी कवर होना चाहिए। सिम्फिसिस पे भी कवर करना है आपको, राइट से लेफ्ट तक पूरा कवर करना है, कुछ भी कट नहीं होना चाहिए। फिर आपको लोड करना है, फिर प्रेस मूव एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको मूव का बटन प्रेस करना है। टेबल अपनी पोजीशन पे जाएगा, ये देखिए टेबल पोजीशन पे गया। फिर प्रेस स्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा, प्रेस स्टार्ट का ऑप्शन बटन दबाना है। ये देखिए प्लेन स्कैन स्टार्ट हो गया। ये मैंने स्लाइस थिकनेस ली 5 mm में, 2.5 × 5 mm। अभी प्लेन स्कैन हो गया। अभी जो मैंने प्लेन स्कैन किया 5 mm का, अभी उसका रिकॉन आएगा 2.5 में, 2.5 × 5 mm में। ये प्लेन स्कैन का रिकॉन हो गया। अभी जो हमने 1 mm का रिकॉन डाला था, अभी वो चालू है। जब तक ये रिकॉन हो रहा है, आप स्टाफ को बोल सकते हैं कि पेशेंट को बाहर निकालें। ये जो 1 mm का रिकॉन मैंने डाला, वो हमने रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया। रिकंस्ट्रक्शन मतलब सजाइटल कॉर्नल बनाने के लिए। जो थिन इमेजेस होते हैं ना, हम उसका ही सजाइटल कॉर्नल बनाते हैं, थिक इमेजेस का हम नहीं बनाते। लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, इसलिए हमें थिन इमेजेस के ही सजाइटल कॉर्नल बनाना है। चलिए, जब तक ये रिकॉन हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये रिकॉर्ड पूरा होने को आ रहा है। अभी सजाइटल कॉर्नल कैसे बनाते हैं, वो अभी इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए। आपको नेक्स्ट कौन से स्कैन के ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।